आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएवी क्लास 8 साइंस का सिलेबस। तो सिलेबस को यहाँ तीन कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। इस सिलेबस को हम मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जो आपका जो एनुअल एग्जाम होगा, यानी कि जो आपका टर्म एंड एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, वो आपका होगा टोटल 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका जो रिटन एग्जाम है, यानी कि जो आप पेन पेपर टेस्ट देंगे, वो आपका होगा 80 मार्क्स का, और जो 20 मार्क्स है वो आपको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मिलेगा। इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे 20 मार्क्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपके तीन पीरियोडिक टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें से आपका एवरेज लिया जाएगा बेस्ट टू स्कोर्स का। और जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा, जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका कंडक्ट होगा 80 मार्क्स का, उसमें सिलेबस को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रखा गया है फिजिक्स, जो कि आएगा आपका 30 मार्क्स का। दूसरा है केमिस्ट्री, जो कि आएगा आपका 25 मार्क्स का। तीसरा है बायोलॉजी, जो कि आएगा आपका 25 मार्क्स का। और जो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, वो आपका होगा टोटल 20 मार्क्स का। ये है इंटरनल असेसमेंट का 20 मार्क्स। अब देखिए, इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स को और कैसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो फर्स्ट सेक्शन में दिया गया है पीरियोडिक टेस्ट। अब पीरियोडिक टेस्ट जो होगा वो आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, जो कि स्कूल लेवल पर कंडक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे आपका जो एवरेज ऑफ बेस्ट टू स्कोर है उसको देखा जाएगा, और उस मार्क्स को 5 नंबर में रिड्यूस किया जाएगा। पेन पेपर टेस्ट आपका आपका स्कूल चाहे कितने भी नंबर का ले सकता है, चाहे तो 10 नंबर का भी ले सकता है, चाहे तो 20 मार्क्स का भी ले सकता है। ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कितने मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट आपको कंडक्ट कराता है। लेकिन फाइनली जब उसका जो भी मार्क होगा, उसको बेस्ट ऑफ टू स्कोर को देखा जाएगा कि आपने तीन पीरियोडिक टेस्ट में से किन दो पीरियोडिक टेस्ट में सबसे अच्छा स्कोर किया है, और फिर उस मार्क्स को 5 मार्क्स के लिए रिड्यूस किया जाएगा, और उस 5 मार्क्स के थ्रू आपको उसका वेटेज मिलेगा यहाँ पे। दूसरा जो सेक्शन है वो है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में टर्म वन का जो था, उसमें 8 इंटीग्रेशन एक्टिविटी था, ये जो कि आपने कर चुका होगा। और टर्म टू के लिए जो एक्टिविटी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया मोबाइल लैब किट मेकिंग, मतलब कि आपको एक छोटा सा अपने लिए साइंस लैब बनाना है, और उस साइंस लैब से आपको कुछ साइंस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो होगा, ये आपका होगा 10 मार्क्स का होगा, लेकिन इसको बाद में रिड्यूस कर दिया जाएगा 5 मार्क्स में आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए। अब फिर यहाँ पे देखते हैं जो कि आएगा आपका मल्टीपल असेसमेंट में। मल्टीपल असेसमेंट में आपका क्या 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 चीज़ हम लोग देख सकते हैं, क्या किस कि, किस बेसिस पे आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे, या तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है क्लास में, या फिर क्लास में डिबेट करवाया जा सकता है, या फिर क्विज, या फिर ओरल टेस्ट करवाया जा सकता है, या फिर कुछ फील्ड वर्क हो सकता है, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ जाएगा, या फिर कुछ कुछ प्ले करके दिखाना पड़ सकता है। और आपका जो बुलेटिन बोर्ड मेकिंग है, इसके बेसिस पे आपको टोटल नंबर दिए जाएंगे 5 मार्क्स। और जो चौथा सेक्शन है वो है आपका पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो का सेक्शन ये नॉर्मली हर स्टूडेंट कर सकता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको अपने नोटबुक को कंप्लीट रखना है, और नोटबुक में भी क्या क्या चीज़ देखा जाएगा, उसका नीटनेस देखा जाएगा, उसका विजुअल अपीयरेंस देखा जाएगा, कैसा दिख रहा है आपका नोटबुक। तो इसके बेसिस पे आपको 5 नंबर यहाँ से इजिली मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट में कुछ हमारे पास कुछ दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट नोट में ये दिया है कि आपका कुछ जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। जो भी आपका एनुअल एग्जाम होगा, टर्म एंड एग्जाम होगा, उसमें ये सारे चैप्टर्स हमारे नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है, वो चैप्टर नंबर 8 दिया गया है, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये आपका चैप्टर जो है, ये फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। और जो तीसरा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17, जो कि है स्टार्स एंड सोलार सिस्टम। और जो चौथा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 18, जो कि है अर्थक्वेक। और जो पांचवा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि है पॉल्यूशन ऑफ एयर। और जो छठा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 20, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो ये जो 6 चैप्टर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपके एनुअल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इन चैप्टर्स के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एनुअल एग्जामिनेशन में। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट नोट इस वीडियो का, कि जो भी फाइनल एग्जाम में जो भी सिलेबस है, उनमें से इन 6 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। इन 6 चैप्टर से आप
क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इन इन 6 चैप्टर के बेसिस पे आपके क्लास आपके सब्जेक्ट टीचर आपका इंटरनल असेसमेंट ले सकते हैं, आपके पीरियोडिक टेस्ट में ये 6 चैप्टर्स को इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पे इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस में देख लेते हैं कि सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहला जो सेक्शन है यहाँ पर डिवाइड किया गया है फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो आपका आएगा 30 नंबर का, 30 मार्क्स का फिजिक्स आएगा। तो फिजिक्स में देखिए कौन कौन से चैप्टर फॉल करते हैं। फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर फॉल करता है वो है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर से आपके आएंगे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है फ्रिक्शन का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। इससे भी आपको वो जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल आएंगे 5 मार्क्स के। तीसरा जो चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन एंड डिप्रेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये है तीसरा चैप्टर, रिफ्रैक्शन एंड डिप्रेशन ऑफ लाइट। ये इजी चैप्टर होता है, इससे आएगा आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल। और जो चौथा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11, वो है ह्यूमन आई का चैप्टर, ठीक है। इससे आपको टोटल आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। और जो पांचवा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 12, जो कि है साउंड। साउंड अगेन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो इससे भी आपको आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और जो छठा चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट, तो इससे भी आपको आएंगे टोटल 5 मार्क्स के। और जो दो चैप्टर जो फिजिक्स में फॉल करते हैं जैसे कि स्टार एंड सोलार सिस्टम और जो है अर्थक्वेक का, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ये दो चैप्टर जो है ये आपके फाइनल असेसमेंट में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसमें नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसको इंटरनल असेसमेंट के लिए इन चैप्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है। ये आपके सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका इंटरनल असेसमेंट में ये दो चैप्टर पढ़ाएं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दें या ना दें, ठीक है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन इसके बेसिस पे आपको एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इन इन 6 चैप्टर से आपके टोटल आ जाएंगे 30 मार्क्स। यहाँ से फिजिक्स का ये सिलेबस था। अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस में जो मार्क्स आपको अलॉट किया गया है वो है टोटल 25 मार्क्स का। अब केमिस्ट्री के सिलेबस में देखिए आपके 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जो कि है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। इस चैप्टर से आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। और दूसरा जो चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 6, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे आएंगे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल। और जो तीसरा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, जो कि है कंबशन। ये भी एक देखिए इससे भी इस चैप्टर से भी आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि है 7 मार्क्स के क्वेश्चन। और जो है आपका लास्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 13 है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर से आएंगे टोटल आपके अगेन 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और लास्ट के दो चैप्टर बच रहे हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 20, जो कि है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये चैप्टर्स आपके इंटरनल असेसमेंट में कंसीडर किए जा सकते हैं, वरना इनको फाइनल एग्जाम के लिए नहीं आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये जो टोटल जो 4 चैप्टर हो गए इससे आपके टोटल आ जाएंगे यहाँ पे 25 मार्क्स। तो फिर फिजिक्स में 30 मार्क्स आ गए और केमिस्ट्री में आपके यहाँ पे 25 मार्क्स कवर होगा। अब देखते हैं हम बायोलॉजी का जो सिलेबस है। बायोलॉजी के सिलेबस में अगेन जो आपको फाइनल एग्जाम में जो आएगा टोटल मार्क्स का वो आएगा 25 मार्क्स का। अब बायोलॉजी के सीधी सिलेबस में टोटल 4 चैप्टर फॉल करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ से आपको आएंगे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर्स, यहाँ से आएंगे आपको टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। और जो उसकी तीसरा चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे देखिए आपका जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है, और साथ ही साथ इसके जो नेक्स्ट लगा हुआ जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, इन दो चैप्टर्स को आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। हाँ, इसको इंटरनल असेसमेंट के लिए पढ़ा जा सकता है और इसके बेसिस पे आपको इंटरनल असेसमेंट में क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं इस चैप्टर के बेसिस पे, लेकिन फाइनल एग्जाम्स के लिए इसको प्रिपेयर नहीं करना है। और जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14, जो कि है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन। और जो फाइनली जो लास्ट चैप्टर है जो बायोलॉजी का, वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस।
इस चैप्टर से भी आपको अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि है टोटल 7। तो इन चार चैप्टर को मिला के टोटल आपके जो बायोलॉजी के मार्क्स बन जाते हैं वो बनते हैं टोटल 25 मार्क्स। तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था सिलेबस को, जो था फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स से जो आने थे वो तुम्हारे आने थे 30 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री से भी आने थे 25 मार्क्स के क्वेश्चन, और जो बायोलॉजी से भी आने थे ये थे 25 मार्क्स के क्वेश्चन। तो टोटल जो यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं ये हो जाते हैं टोटल मार्क्स आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो जो आपका फाइनल पेपर होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स का। अब चलिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसमें टोटल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के पेपर के लिए, टोटल 31 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 1 to 8 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा वो होगा 1 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, चाहे तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लिया जा सकता है, चाहे तो डायरेक्ट 1 वर्ड का कोई सा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ऐसे टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे टोटल 1 to 8 मार्क्स के, मतलब यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 8 क्वेश्चन आएंगे, और उसका जो वेटेज रहेगा उस क्वेश्चन का वो रहेगा 8 मार्क्स का। और जो सेकंड सेक्शन में आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि टोटल 9 to 17 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 9 क्वेश्चन जो आपका वेटेज कैरी करेंगे वो है 18 मार्क्स के, ठीक है। और जो तीसरा जो आपका सेक्शन बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 to क्वेश्चन नंबर 25 तक का। इसमें जो टोटल 8 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 3 मार्क्स के, और 8 क्वेश्चन का आपको जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा जो टोटल वेटेज इसका बनेगा ये बनेगा 24 मार्क्स का, ठीक है। और फिर जो फाइनली जो आपका लास्ट सेक्शन होगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक का। तो यहाँ पे जो आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 5 नंबर के। तो ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल जो इसका वेटेज जो कैरी करेगा वो करेगा 5 × 6 यानी कि 30 मार्क्स का। तो सेक्शन 1 आपका 18 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन 2 आपका 8 सो सेक्शन 1 आपका 8 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन 2 आपका 18 मार्क्स का, सेक्शन 3 आपका 24 मार्क्स का, और जो सेक्शन लास्ट वाला है वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का। तो ये था आपका साइंस का डिटेल सिलेबस तो नहीं, जो फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो हमें इम्पोर्टेंट है हमने बस वो देखा है। ओके, थैंक यू।